ये टॉपिक चल रहा था सारा कि साक्षात्कार की हम तैयारी कैसे करें। देखें तो सब साक्षात्कार की तैयारी के करने के लिए हमने इसको परंपरागत रूप से दो श्रेणियों में बांटा था साक्षात्कार। एक तो था मौखिक साक्षात्कार, दूसरा था लिखित साक्षात्कार। मौखिक साक्षात्कार में संबंधित व्यक्ति से समय लेकर, स्थान लेकर, बातचीत कर साक्षात्कार तैयार किया जाता था, और यदि अति आवश्यक हुआ तो आकस्मिक रूप से बातचीत कर साक्षात्कार तैयार कर लिया जाता था, जहाँ तक अपन कल लिखा चुके थे। दूसरा था लिखित साक्षात्कार। लिखित साक्षात्कार, देखिए बंधुओं, ऐसे साक्षात्कार में पहले ऐसे साक्षात्कार में इसके लिए पत्राचार का प्रयोग किया जाता है, यानी पत्रों का आदान प्रदान किया जाता है। जिस भी व्यक्ति का हमें साक्षात्कार लेना होता है या देना होता है तो पहले पत्रों के द्वारा प्रश्न भेजकर साक्षात्कार किया जाता था, यानी प्रश्नों के द्वारा पूछ करके इसका कितना नॉलेज है हमें मालूम हो जाता था। जो अब दूर संचार माध्यमों के तीव्र विकास के कारण ईमेल के माध्यम से भी अब इसका साक्षात्कार होने लगा है। साक्षात्कारदाता से उपयुक्त बात कर, उपयुक्त समय लेकर, उपयुक्त स्थान निश्चित कर साक्षात्कार किया जाना उचित रहता है। ये लिखित साक्षात्कार था, ठीक है। इसके लिए पत्राचार का प्रयोग किया जाता था। पहले पत्र द्वारा प्रश्न भेजकर साक्षात्कार किया जाता था। जो अब दूर संचार माध्यमों के लिए तीव्र विकास के साथ ही ईमेल के माध्यम से होने लगा है। उपयुक्त साक्षात्कार कैसे लेना दे दो, साक्षात्कार दाता से उपरुक्त उपरिप्रस्त समय लेकर तथा स्थान निश्चित कर उपयुक्त समय लेकर तथा स्थान निश्चित कर साक्षात्कार किया जाना उचित रहेगा। ये हमने परंपरागत रूप से दो भेद पड़े, मौखिक साक्षात्कार और लिखित साक्षात्कार। लिखित साक्षात्कार में क्या होता है ये सारी चीजें हमने देखी। अब द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार जो
करता है, जो इंटरव्यू देने वाला है लेने वाला है, उसके जो गुण हैं वो क्या क्या गुण होने चाहिए एक साक्षात्कारकर्ता में। तो एक अच्छा जो साक्षात्कार होता है वो जिज्ञासा होनी चाहिए, उसमें वाक निकालने की कला होनी चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और अच्छा वाक्पटु भी उसे होना चाहिए। तटस्थता आदि का गुण यानी पक्षपात रवैया उसका होना नहीं चाहिए। और जिस विषय पर वो साक्षात्कार, जिस टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर वो साक्षात्कार लेने जा रहा है, उस टॉपिक पर गहरी पकड़ होगी। तो अब हम साक्षात्कारकर्ता के गुण पढ़ते हैं, क्या गुण चाहेंगे। क्या क्या गुण चाहिए देखो, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में नम्रता, जिज्ञासा, सीखने की जो प्रबल इच्छा होती है ना, जिज्ञासा, नम्रता, जिज्ञासा, बातें निकालने की कला। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बातें बहुत बढ़िया करते हैं और अपनी ऐसी बातें करते हैं सामने वाले से अपने हिसाब से कुछ भी कहलवा लेते हैं। कला, मनोविज्ञान का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान तथा व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। और दूसरे पर एक तो होनी चाहिए वाक्पटुता, बोलने में बड़ा चतुर होना चाहिए, वाक्पटुता, भाषा पर अधिकार, सुप्रीम कमांड होना चाहिए भाषा पर, यानी कि उसके मुंह से कोई शब्द गलत निकल जाए, भाषा पर अधिकार। और तटस्थता, आदि का गुण होना चाहिए। वाक्पटुता, भाषा पर अधिकार और तटस्थता आदि का गुण होना चाहिए। और तीसरा, जिस विषय पर साक्षात्कार, जिस विषय पर साक्षात्कार लेने जा रहा है, उस जिस विषय पर साक्षात्कार लेने जा रहा है, उस विषय की लिखूँ ना, उस विषय की गहरी समझ, उस विषय की गहरी समझ होनी चाहिए। गहरी समझ होनी चाहिए। और चौथे पर साक्षात्कारकर्ता में, जो साक्षात्कार लेने वाला होता है उसमें साक्षात्कार को विषय पर, यानी विषय से हट जाए, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, विषय पर केंद्रित रखने की कला होनी चाहिए। कला होनी चाहिए। और पांचवा लिखें,
पांचवा एक जो अच्छा साक्षात्कार होता है उसमें तत्काल प्रश्न गढ़ने की कला होनी चाहिए, हाजिर जवाब। ये सारी चीज़ें थी कि एक अच्छे साक्षात्कार में नम्रता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए और बात निकालने की कला होनी चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, वाक् पढ़ता होनी चाहिए, भाषा पर अधिकार होना चाहिए और जिस विषय पर साक्षात्कार लेना जा रहा है उस विषय की गहरी समझ होनी चाहिए और साक्षात्कार को विषय पर केंद्रित रखने की कला होनी चाहिए और तत्काल जो प्रश्न है गढ़ने की वो भी सलाह कला उसमें आनी चाहिए। अब देखें कि साक्षात्कार का हमने इतिहास पढ़ लिया, प्राचीन काल में जो संवाद हमारे हुए थे उन्हें साक्षात्कार माने गए थे। एक लैंडर की पुस्तक थी इमेजिनरी ऑफ कन्वर्सेशंस जिसमें लगभग 150 काल्पनिक संवाद हैं, कुछ उदाहरण भी हमने आपको दिए थे, गार्गी याज्ञवल्क संवाद, कृष्णार्जुन संवाद, भीष्म युधिष्ठिर संवाद, ये सब एक साक्षात्कार का ही रूप था। इसकी रोमियो रोला, लुई फिशर, डोनाल्ड कुकमैन, ये पाश्चात्य साक्षात्कार जनक हुए थे। उसके बाद हमने तैयारी भी कर ली, मौखिक रूप दो प्रकार भी पढ़ ली, परंपरागत रूप से मौखिक और लिखित, और एक साक्षात्कारकर्ता के हमने क्या पढ़ लिए, गुण। अब हमें करनी है कि साक्षात्कार कला का विकास किस तरह करें। साक्षात्कार कला का विकास करना, देखो कैसे, अगर हम साक्षात्कार करने की कला का विकास कर रहे हैं, हमारे अंदर साक्षात्कार की जो कला है उसको बहुत अच्छे प्रकार से अपन विकास कर रहे हैं, तो सामने वाले की सम्मान की रक्षा और अभिव्यक्ति को पूरा सम्मान महत्व दिया जाना आवश्यक है। व्यक्तित्व, वेशभूषा, भाषा की कमजोरी, शिक्षा की कमी और गरीबी आदि चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए साक्षात्कार देने वाले के विचारों और सूचनाओं का हमें महत्व दिया जाना चाहिए, तभी जा करके हम साक्षात्कार, यानी कोई गरीब है तो हम उसका साक्षात्कार की कला का विकास नहीं हो, उसकी वेशभूषा को देख करके हम साक्षात्कार ले नहीं, इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने के बाद ही एक अच्छे साक्षात्कार की कला का अपन विकास कर सकते हैं। देखिए सामने वाले के सम्मान की रक्षा तथा अभिव्यक्ति को पूरा महत्व दिया जाना आवश्यक है, पूरा महत्व दिया जाना आवश्यक है। व्यक्तित्व, और वेशभूषा, जिसे अपन परिधान कह सकते हैं, भाषा की कमजोरी,
गरीबी, चार पांच चीज़ें जिनसे आदमी थोड़ा अपने आप में हीन भावना महसूस करता है, शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी आदि को नज़रअंदाज करते हुए साक्षात्कार देने वाले के विचारों व सूचनाओं को महत्व दिया जाना आवश्यक है, सूचनाओं को महत्व दिया जाना आवश्यक है या महत्व दिया जाना चाहिए। ये हम साक्षात्कार कला के विकास की बात करें। अब एक इसमें ही वर्तमान में टॉपिक डालने से अपन वर्तमान में साक्षात्कार के मीडिया में प्रचलित रूप, क्या क्या सौदा है मीडिया में साक्षात्कार के अनेक रूप प्रचलित हैं। अब ये मात्र दो व्यक्तियों के बीच की बात ना रह करके जन समूह से बातचीत का माध्यम बन गया है। वर्तमान में ऐसा कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं है जो एक इंटरव्यू की कला का विकास अपने अंतर्गत करता नहीं, कोई सा भी हो। अनेक प्रकार के आयोजित कर साक्षात्कार कर, जैसे टीवी पर आपकी अदालत आता है तो वो सब रजत शर्मा के साथ, वो सब एक साक्षात्कार ही है। क्या है तो मीडिया में प्रचलित रूप अनेक प्रकार के होते हैं। देखें वर्तमान मीडिया में साक्षात्कार के अनेक रूप प्रचलित हैं। अब यह मात्र दो व्यक्तियों दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत ना होकर जन समूह से बातचीत का माध्यम बन गया है। वर्तमान में न्यूज़ चैनल्स के द्वारा अनेक प्रकार के साक्षात्कार आयोजित करके अपनी उपयोगिता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
अपनी उपयोगिता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। देखो कौन कौन से कर रहे हैं, इंडिया टीवी मशहूर न्यूज चैनल है, ये भी मशहूर कार्यक्रम है साहब रजत शर्मा का, आपकी अदालत, आज तक पर दंगल, आज तक पर दंगल तथा अन्य चैनल्स पर आमने सामने एनकाउंटर, आमने सामने आदि नामों से साक्षात्कार, आदि नामों से साक्षात्कार प्रचारित किए जा रहे हैं। जनसमूह से सीधी बात भी, जनसमूह से सीधी बात भी साक्षात्कार का आधुनिक रूप है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब लास्ट पर चल रहे हैं, पर पाठ पर, पाठ हमारा समाप्त हो गया है। अब इसकी जो जो मेन मेन चीज़ जो हेडिंग हमने लिखी थी उन चीज़ों को देख लेते हैं सदा की तरह हर पाठ का हिसाब से। सबसे पहले हेडिंग डालें सुर्खियाँ। सुर्खियाँ किसे कहते हैं? तो ऐसी खबरें जो अन्य खबरों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है, ऐसी खबरें जो अन्य खबरों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरी हेडिंग डालें गला काट प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे निकलने की ऐसी होड़, एक दूसरे से आगे निकलने की ऐसी होड़ जिसमें नैतिकता व नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, और लास्ट चीज़ चल रही है हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लास्ट चल रही है हमारा, एक टॉपिक भी यही समाप्त कर देंगे अपन, कि श्रव्य दृश्य माध्यम से दूर बैठे लोगों द्वारा आपस में संपर्क स्थापित करना। एक तो ऑडियो होता है, एक वीडियो होता है। श्रव्य दृश्य माध्यमों के द्वारा दूर बैठे लोगों
से संपर्क स्थापित करना। इसे अपन वीडियो कॉल कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। तो दोस्तों ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर अगले दिन जब भी बात करेंगे, अगला पाठ हमारा स्टार्ट होगा और पाठ का नाम होगा विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, यानी किन किन क्षेत्रों में पत्रकारिता, जैसे विज्ञान पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता। बहुत अच्छा लेसन है, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड पाठ है, पढ़ने में मज़ा भी आएगा और अच्छे समझने में भी हमें मदद मिलेगी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा, धन्यवाद।